क्या कार्यक्रम है यहाँ पर आए? क्या कार्यक्रम है यहाँ पर भैया? ए प्रमुख जी, ए वीडियो इधर आप, क्या कार्यक्रम है यहाँ पर? कहाँ है पत्थर? कहाँ है पत्थर? लाओ पत्थर, कहाँ है पत्थर? कहाँ है पत्थर? लाओ मुझे पता नहीं कहाँ है। पर एक चीज, पत्थर कहाँ है यहाँ पे? हम पत्थर पे नाम देखना चाहते हैं। अच्छा है ना, सुनिए विधायक जी, आप ठीक है, आप विधायक हैं हमारे, आप बहुत कुछ कर गए, सब सुन लिया गया, लेकिन मैं जो यहाँ सर सुनिए, आप पत्थर पे नाम जिलाधिकारी का है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है, डीएम साहब पत्थर है, डीएम साहब। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, धनियामऊ शहीद स्मारक के प्रवेश निर्माण का उद्घाटन का कार्यक्रम आज आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जी द्वारा पूर्व निर्धारित था, दोपहर 12 बजे होना था। उन्हीं के द्वारा धनियामऊ शहीद स्मारक का पीछे का जीर्णोद्धार आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया गया है। इसके लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को। परंतु बड़े ही दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम की जानकारी आदरणीय विधायक जी को नहीं थी, इसी से आज ही जा करके और क्रोध में आ करके वो मौके पर पहुँचे। हवन सामग्री के लिए जो वेदी बनाई गई, तो उसके चारों तरफ गद्दे बिछाए गए, तो उन्हें पैरों से मारते हुए और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए उपस्थित नागरिकों से अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया। अधिकारियों के साथ उन्होंने बदतमीजी की और कार्यक्रम को तहस नहस कर दिया। जिलाधिकारी महोदय जी को यहाँ पर न आने के लिए भी उन्होंने कह दिया, और जिसका परिणाम यह हुआ कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम स्थगित हो गया और जिलाधिकारी महोदय यहाँ पर नहीं आए। एक भरे समाज में, भरे आम जनमानस के बीच में स्थानीय विधायक आदरणीय रमेश मिश्रा जी द्वारा किए गए इस कृत्य की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से डॉक्टर प्रभात विक्रम सिंह ब्लॉक अध्यक्ष बक्सा कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और योगी सरकार को आगाह करते हैं कि यदि आने वाले समय में उनके द्वारा बनाए गए विधायकों की नियति और उनके द्वारा किए जा रहे काम स्पष्ट नहीं होते हैं और वे अपने रवैये को नहीं बदलते हैं, तो देश की जनता, प्रदेश की जनता देख रही है, आने वाले समय में 2022 में इसका पूरा का पूरा हिसाब करेगी जनता। जय हिंद, जय कांग्रेस, अमर शहीद जमींदार सिंह, अमर रहे। जैसा कि ये हमारी सरकार का शासनादेश है कि विधायकों के विधानसभा में क्षेत्र पंचायत, नगर पंचायत या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसी भी डिपार्टमेंट से अगर कोई धन से कोई कार्य होता है, तो वहाँ पर उस विधानसभा के जनप्रतिनिधि यानी विधायक का वहाँ उसमें, उस पत्थर में नाम होगा और उसके उद्घाटन या उसके शिलान्यास में वह विधायक वहाँ पर जाएगा, उपस्थित रहेगा। और मैं जो है, धनियामऊ शहीद स्थल है और शहीद स्थल बहुत पुराना है, बहुत लोगों की आस्था है उस शहीद स्थल के प्रति, तो हमने जो है आज के लगभग एक वर्ष पहले उस शहीद स्थल का सौंदर्यीकरण करने के लिए खंड विकास अधिकारी बदलापुर को हमने एक पत्र लिखा था कि उसका सौंदर्यीकरण कराया जाए। तो सौंदर्यीकरण का काम मनरेगा के तहत वहाँ पर संपन्न हुआ और क्षेत्र पंचायत के तहत वहाँ पर एक गेट का निर्माण होना था, और हमने वहाँ पर जब शहीद स्थल बन गया तो अपनी विधायक निधि से एक सोलर लाइट की भी हमने स्थापना, अभी लगभग एक हफ्ते 10 दिन पहले मैंने वहाँ पर एक सोलर लाइट की स्थापना किया था। और मेरे मन में यह संकल्प था कि जिस दिन इसका उद्घाटन होगा, एक भव्य उद्घाटन करूँगा और शहीदों के परिवारों को बुला करके उनको सम्मानित करूँगा, एक बड़ा आयोजन करूँगा। लेकिन संयोग बस वहीं पर हमारे एक बहुत ही अत्यंत खास थे श्री राजेंद्र सिंह, जिनकी मृत्यु हो गई आकस्मिक, और जब मुझे जानकारी मिली तो मैं उनके यहाँ चाहकारी करने जा रहा था, तो मैंने वहाँ पर कुछ भीड़ देखा, वहाँ पर कई लोग जो इकट्ठा थे, तो वहाँ वीडियो भी मिले। हमने वीडियो से कहा क्या मामला है, तो वीडियो ने वहाँ बताया कि सर डीएम साहब का फ़ोन आया था शाम को, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है वहाँ पर शिलान्यास और उद्घाटन का फटाफट आप लोग कार्यक्रम बनाइए, वहाँ पर मैं आ रहा हूँ। तो हमको जब जानकारी मिली तो हमने वहाँ पर कहा कि भाई चलो ठीक है, हम आगे बढ़े। तो हमको गांव वालों ने शिकायत किया कि भाई साहब, इसमें आपका ये कार्य था, आप संकल्प लिए थे कि आप शहीदों को सम्मान करेंगे, तो और वहाँ पर पत्थर में आपका नाम नहीं है। तब हमको लगा कि अरे, तो हमने वहाँ पर पत्थर देखना चाहा, तो लेकिन हमारे आने के पहले जब उन्होंने देखा ऐसा माहौल, तो उन्होंने पत्थर वहाँ से हटा दिया।
तो मैंने बल्कि गद्दों के नीचे मैंने पत्थर को खोजा और गद्दे के नीचे पत्थर मिला हमें, और जब मैंने पत्थर में देखा तो मेरा कहीं पर उसमें नाम नहीं था, जो कि कदापि इस शासनादेश के खिलाफ है और सरकारी गाइडलाइन के खिलाफ है। तो मैंने इस पर आपत्ति जाहिर किया, अधिकारियों को भी मैंने आपत्ति जाहिर किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जनप्रतिनिधि का नाम होना चाहिए, और मैं इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराऊंगा कि ऐसा ऐसा यहाँ पर हुआ है। वहाँ पर हम उद्घाटन का कार्यक्रम करेंगे और उनको शहीदों को सम्मान करेंगे, शहीद के परिवारों को सम्मान करेंगे, और उसका जो है अभी हाल में ही उसका कार्य पूर्ण हो गया था, और कार्य पूर्ण होते ही मैंने अभी एक हफ्ते पहले वहाँ अपनी विधायक निधि के द्वारा वहाँ पर एक मैंने सोलर लाइट मैंने अभी लगवाई, और हमारा एक कार्यक्रम था कि जैसे थोड़ा ठंडी कम होगी मैं एक भव्य आयोजन करके उसका उद्घाटन करूँगा और एक गेट का शिलान्यास करूँगा। लेकिन आज मैं उस रोड से जा रहा था, हमारे एक बहुत ही खास थे श्री राजेंद्र सिंह जी, जिनका देहांत हो गया था, मैं गया चहकारी के लिए, मैंने वहाँ भीड़ भाड़ देखी, वहाँ पर कांग्रेस के कई नेता खड़े थे, हमने पूछा कि भाई क्या मामला है, क्या है यहाँ पर, तो वहाँ पर पता लगा, हमको जानकारी ये मिली कि यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय आ रहे हैं इसका उद्घाटन करने और शिलान्यास करने। तो जब हमको ऐसा जानकारी मिली तो हमने कहा कि, तो हमने सोचा कि ये तो मैं बड़ा कार्यक्रम करने वाला था, कैसे यहाँ पर इस तरीके का कार्यक्रम हो रहा है। तो मैंने इस चीज़ से तत्काल जो है अधिकारियों को अवगत कराया और उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। अवगत कराने के बाद मैंने वहाँ पर तत्काल ही कहा कि ऐसे कार्यक्रम नहीं होगा, वहाँ पर एक भव्य आयोजन होगा और शहीदों का सम्मान होगा, तब कोई कार्यक्रम होगा। क्योंकि ये आप जानते हैं कि एक गाइडलाइन भी है उत्तर प्रदेश सरकार की, कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसी भी विभाग को, अगर किसी कार्यदायी संस्था को अगर धन दिया गया है, तो जिस विधायक के क्षेत्र में वहाँ कार्य होगा, वहाँ का विधायक, वहाँ का जनप्रतिनिधि का उस, चाहे वो क्षेत्र पंचायत हो, चाहे वो क्या नाम है आपका नगर पंचायत हो या ग्राम पंचायत हो, वहाँ पर जो पत्थर लगेगा उस पत्थर में विधायक का नाम अंकित होगा और वहाँ का उद्घाटन या शिलान्यास जनप्रतिनिधि ही करेगा, ऐसा सरकार का गाइडलाइन है। तो मैंने देखा, जब वहाँ पत्थर देखा तो मेरा कहीं नाम नहीं था पत्थर पर, तो मैंने जो है पहले तो मेरे जाने के बाद जब लोगों ने देखा कि विधायक जी क्या नाम है इससे नाराज हैं, तो उन लोगों ने क्या किया कि पत्थर छुपा दिया। तो वहाँ पर कई गद्दे पड़े हुए थे, तो मुझे लोग, एक लड़के ने बताया कि गद्दे के नीचे जो है पत्थर है, तो मैंने बल्कि गद्दे को उलट करके देखा तो किनारे, हमको एक किनारे पर जाके वहाँ पत्थर मिला, तो पत्थर में मेरा नाम नहीं था, जिसकी शिकायत मैंने उच्च अधिकारियों को और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं मिल करके बताऊँगा कि सरकारी जो गाइडलाइन है, जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन है, उसका गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए जनपद।